लेता हूँ और गौतम बुद्ध एजुकेशन एवं सोशल वेलफेयर सोसाइटी है ये संस्था SC ST OBC और माइनॉरिटी के कल्याण के लिए पूरे मध्य प्रदेश में पिछले 2 सालों से हमारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, काम चल रहा है पूरा। इसमें एक बहुत अच्छी योजना आई है आदिवासियों के उत्थान के लिए, जिसका करीब करीब 15 करोड़ रुपए का बजट है सालाना। इसमें मध्य प्रदेश शासन ये चाहती है कि 50 आदिवासी बच्चे अपना स्नातक पूरा होने के बाद, ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद, उसमें भी एक शर्त रखी गई है कि 55% से आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। तो न्यूनतम जब 55% से आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता है तो आप फॉरेन में जाके MBA कर सकते हैं, या जो भी आपकी डिग्री है, जिस भी विषय में आप मास्टर डिग्री करना चाहते हैं, अपनी रुचि के विषय में कर सकते हैं। इस योजना में आपको सालाना 20 लाख रुपए मिलेंगे। 2 साल का आप मास्टर डिग्री करने जाएंगे तो आपको 40 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा। मैं समझता हूँ अभी तक आपको शासन की तरफ से ये योजना नहीं बताई गई होगी। नहीं पता ना। अच्छा, कोई बात नहीं, आज मैं बता देता हूँ आपको। आप इसको ज्यादा से ज्यादा अपने आदिवासी भाइयों के बताइए, प्रचारित करिए। और मैं मेरे साथ एक एग्जाम्पल भी लेके आया हूँ। एक उदाहरण है हमारे संजय सिंगार जी, जो इंदौर की कॉलोनी में रहते हैं। जैसे आज मैं आपके बीच में कार्यक्रम दे रहा हूँ, वैसे मैं इनके बीच में भी मैंने कार्यक्रम दिया था। उस कार्यक्रम में इन्होंने अटेंड किया कार्यक्रम, फिर ये इनको प्रेरणा मिली। प्रेरणा मिलने के बाद ये 2016 में सिंगापुर गए और 2018 में सिंगापुर से लौट के आए, और इनको भी फॉरेन में इनका जॉब भी सिक्योर हो गया है दुबई में। तो ये बहुत अच्छी योजना है, क्योंकि शासकीय सेवाएं बहुत कम हो गई है। गवर्नमेंट जॉब कोई जरूरी नहीं कि गारंटेड आप सबको मिले, इतनी नहीं रही। तो इसी स्थिति में गवर्नमेंट आपके अंदर एक इच्छा शक्ति होना चाहिए, आपके अंदर एक विल पावर होना चाहिए आगे बढ़ने का। अंग्रेजी कभी भी आपके विकास के लिए बाधा नहीं बन सकती, लेकिन मेरी सलाह है आपको कि आप अंग्रेजी अखबार पढ़ो, रोज अंग्रेजी न्यूज चैनल देखो, थोड़ा थोड़ा अपनी अंग्रेजी को इम्प्रूव करो। क्योंकि अभी आप फर्स्ट ईयर में है, अभी आपके पास में 2 साल है। आप 2 साल के दौरान अपना व्यक्तित्व विकास करें, पर्सनालिटी डेवलपमेंट करें और आप आगे बढ़ें, ताकि आप 2 साल बाद इस योजना में फॉर्म भर सके और फिर आप फॉरेन जा सके। तो एक बहुत अच्छा मौका है ये, और मैं मेरा नंबर आपको दूंगा, उसमें उसके माध्यम से आप जो है मेरे को कांटेक्ट भी कर सकते हैं। और आपके कोई रिश्तेदार ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है 55% से, वो लोग भी इसमें कर सकते हैं। तो मेरे साथ में संजय सिंगार जी, जो आप ही की तरह एक आदिवासी स्टूडेंट थे, इंदौर के हैं, हमारे भील कॉलोनी में रहते हैं, अभी विदेश भी जा रहे हैं ये 15 दिन के अंदर अंदर, इनको जॉब भी लग गया है। क्योंकि आप लोग भी विदेशों में जॉब कर सकते हैं, आप अपने आप को सीमित मत रखो, इस एरिया तक ही सीमित मत रखो, ये पूरी दुनिया के दरवाजे आपके लिए खुले हैं। पूरी दुनिया जो है ना, एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है, अपन ग्लोबलाइजेशन के दौर में रह रहे हैं। तो आप ये मत सोचो कि आप नहीं निकल सकते। अभी इस योजना में क्या हो रहा है, शासन का पूरा पैसा पानी में जा रहा है। पानी मतलब ये कि लैप्स हो रहा है, बच्चे जा ही नहीं रहे। 15 करोड़ का साल का बजट है, सालाना 2-3 बच्चे ही जाते हैं तो 1 करोड़ रुपए खर्च होता है, ठीक है। बाकी 14 करोड़ तो अपना लैप्स हो गया, ठीक है, मतलब अपने लोग पहुंच ही नहीं पा रहे हैं वहां तक। तो मैं ये चाहता हूं कि आप लोग आगे बढ़े और अपने लोगों को भी ये बात बोले। अब मैं आगे हमारे जो स्टूडेंट है संजय सिंगार जी, जो सिंगापुर होके आए, MBA करके आए, उनको आमंत्रित करूंगा। अपने आदिवासी बच्चे जा ही नहीं पा रहे, मतलब ST के नहीं जा पा रहे, SC OBC जा रहे बहुत। तो मैं इसलिए आप लोगों के बीच आया हूँ, मैं भी आदिवासी बच्चा हूँ, मैं भी समझता हूँ कि अपने अंदर बहुत वो रहता है, डर भी रहता है, सोच भी रहती है, अपन बहुत सोचते घर परिवार के बारे में भी बहुत सोचते हैं। तो ऐसा है, बाकी आप लोग अकेले रहते हो तो आपको तो आदत भी है कि आप रह सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत अच्छा है। अपनी आपके लिए अगर आप चाहो तो कर सकते, सब कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हमेगा कोई दिक्कत आए पढ़ाई में या फिर कोई फार्म में, मैं चाहता हूँ कि मैं इसलिए आया हूँ, खास तो बोलने ये आया हूँ कि अपने ST वाले को मैं जोड़ना चाहता हूँ, क्योंकि मैं अभी निकल रहा हूँ हब्बा के जो है बुक्सी मनावा, पूरा क्षेत्र, पूरा अपना आदिवासी क्षेत्र कवर करूँगा मैं, सबको दे रहा हूँ। तो इसलिए हमारे पास समय नहीं है, आप ज्यादा घंटे जैसे आपने बोला इतना समय कहा कि अपन इंतजार करेंगे, क्योंकि आप लोग बताना फैलाना बात, और कॉन्टेक्ट हमारे कॉन्टेक्ट नंबर है, वेबसाइट है, आप खोलना, आपको ऐसा कुछ लगे तो आप, ये भोपाल से होता है अपना आदिवासी कार्यालय से होता है, ऑफलाइन फॉर्म होता है, तो आप लोग ट्राई करना, ऐसा कुछ लगे तो बात करना अपने भाई बहन जो भी है,
उनसे बोलना आप लोग, कोई भी इच्छा शक्ति जाता है पढ़ना जाता है, क्योंकि मैं खुद पढ़ के आया हूँ, मुझे पता है कैसा क्या है, तो मैं आपको बता सकता हूँ। वैसे बहुत तीन जने और गई है अपने आदिवासी से, तीन को पूछा, एक लड़की को भी पूछा था तुमने, एक लड़का वही मेरा, दो जने वही हैं देवास का है, कन्नौज फतेहगांव का है, तो आप लोग बताना अपने भाई उनको ना, क्योंकि आप तो अभी पता चल रहा है सब चीज़ें कैसा भी होता है। देखा कितना पन कितनी कब से ये कब से चल रही है, कम से कम 50 साल 15 साल 15 साल हो गए ये चीज़ को जो ही चल रही है। मेरे को भी यकीन नहीं था, सर ने बोला था कि ऐसी सी बात थेगा, मैंने बोला ऐसा होता नहीं यार, क्या मतलब डर लगे खूब खूब घबरा हुआ भी पाया, मैंने चल ठीक है हिम्मत नहीं, हिंदी मीडियम था मैंने, आर्ट्स एंड कॉमर्स अपना इंदौर भगवा से बी ए कम्प्लीट करा था, वहीं से भी सर ने मुझे बताया कि ऐसी सी बात है आप फॉर्म भरिए, ठीक है भर देते हैं, तो भूल गए थे फिर भरने का आ गया था अपना, फिर कोशिश करें फिर बन सब कागज बनवाए, तो आप भी करना ट्राई ना, ऐसा कोई डरने की बात नहीं। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।